Welcome back to Foundation Classes. My name is Tahir and today we are actually going to discuss about the question and answers of chapter short story number 5, The Servant. So, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले. और क्लास में अब इसके बाद हमारे पास दो चैप्टर्स बचते हैं और वो कंप्लीट होते ही हम एक ग्रामर की कंप्लीट सीरीज लाएंगे जिसमें एक कंप्लीट ग्रामर जो है आपके बोर्ड के हिसाब से और वो सारी एक्सरसाइजेस जो बोर्ड में पूछी जाती है और मैक्सिमम लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं उनमें से जो क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं उन सारे का एक एक्सट्रैक्ट जो है हम अपने वीडियोस में लाएंगे और इंग्लिश ग्रामर और साथ में उर्दू ग्रामर जो है वो हम कराएंगे. तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम जब भी इस तरह का कोई भी वीडियो लाए तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिले. तो साथ साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर करें. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस चैप्टर की. चैप्टर का नाम है द सर्वेंट. आज करेंगे हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स. तो सबसे पहले बात आती है थीम्स की, ठीक है, यानी कि क्या हो सकती है इसकी थीम इस चैप्टर की. तो सबसे पहले इस चैप्टर की जो मेजर थीम है वो है द सर्वेंट, ठीक है, यानी कि नौकर. तो सबसे पहले एक चीज है कि चाहे आप किसी भी जगह पे कोई भी काम कर रहे हैं या कोई भी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा एक मोटिव होना चाहिए कि हम ईमानदारी से और ऑनेस्ट तरीके से रह के अपनी जो नौकरी है उसे करें. किसी भी तरह का कोई भी डिसऑनेस्ट वर्क जो हम करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं या कोई भी ऐसी चीज करते हैं उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारे काम पे, हमारे करेक्टर पे, हमारे बिहेवियर पे और ओवरऑल हमारी जो संस्था होती है या हमारी जो भी जहां पे भी हम काम कर रहे होते हैं उसके करेक्टर पे भी पड़ते हैं. तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं. दैट द सर्वेंट इज दैट सेल्फिशनेस हार्डन्स आर सोल मेक्स इट ब्लाइंड टू द डिफरेंस बिटवीन द गॉड गुड एंड द बैड. A selfish person does not mind using even unfair means to achieve his end. दूसरी बीच अगर बात करें हम एक selfish आदमी की तो उसे मकसद होता है आगे बढ़ने में, चाहे वो मकसद फिर बुरा हो चाहे वो मकसद फिर गलत हो, उसको मतलब होता है आगे बढ़ने से और चाहे फिर वो गलत रास्ता चूज करे या एक वो सही रास्ते से जाए, ठीक है. लेकिन हमेशा से जिंदगी चाहे जिन भी हालात में से गुजरे हमेशा से हमें अपने ईमान की जो है रखवाली करनी चाहिए और हमें हमेशा से अपने काम के साथ बहुत ही ऑनेस्ट रहना चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास दो करेक्टर हैं. सबसे पहले अब हम येगोर की बात करते हैं जो बेसिकली किस तरह से वो जर्नलिज्म के लिए जगह बनाने की कोशिश करता है, हालांकि वो एक ओल्ड आदमी को जिसने अपनी जिंदगी के अच्छे साल सर्व कर रखे होते हैं अपने मास्टर के लिए उसको निकालने के लिए ऑप्शन करता है. हालांकि जर्नलिज्म को बहुत ज्यादा नौकरी की जरूरत होती है लेकिन उसे ये अच्छा नहीं लगता कि वो अपनी जगह के लिए किसी और को मुसीबत में डाले. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और यही सारी चीजें जो है येगर फ्लाइज इनटू अ रेज एंड कॉल्स हिम एन इडियट वी सी अ डेविल इन वन हैंड. और यहाँ पे हमें एक आदमी में एक डेविल दिख रहा है और दूसरे आदमी में एक फरिश्ता. तो ये सारी कहानी जो है बहुत जबरदस्त है और हमें चाहिए कि हम जिस भी जगह जाए तो आप हमेशा अपनी ऑनेस्टी के साथ काम करें और रेस्ट इज अप टू गॉड. वो जो चाहेगा जो देगा जो अपनी जिंदगी में हासिल करना होगा वो मिलेगा, नहीं होगा तो लेट्स सी द नेक्स्ट वन. अब अगर यहां पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, व्हाई हैड जर्नलिज्म बीन गोइंग अबाउट इन वैन इन द विलेज. तो जर्नलिज्म क्यों लगातार जा रहा था वैन में या जिसे हम कहें विलेज में क्यों वो घूमता रहता था. जर्नलिज्म हैड बीन वर्किंग इन मॉस्को अंडर अ मर्चेंट. मीनवाइल ही हैड बीन समंड बैक टू हिज विलेज फॉर मिलिट्री ड्यूटी. But unfortunately, he had not been drafted or selected. Since from the early boyhood, he had been living in Moscow and obviously he was not used to the country life. So village life यहाँ पे बात कर रहे हैं हम. And it seemed dull to him in the village, though he looked for some jobs. Basically, वो इसलिए घूम रहा होता है, इस सारी कहानी का extract बता रहा हूँ कि उसे job की search के लिए वो कभी यहाँ कभी वहाँ घूम रहा होता है क्योंकि उसने अपनी job lose करी होती है जब उसे एक मिलिट्री की ड्यूटी के लिए बुलाया जाता है और उसके दौरान जब वो वहां सिलेक्ट भी नहीं हो पाता और एट द एंड उसकी जो जॉब वो करंटली कर रहा होता है वो भी उसके हाथ से चली जाती है तो फिर वो जॉब की सर्च में इधर उधर घूमता रहता है. तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर हैड जर्नलिज्म बीन वर्किंग, व्हाई डिड ही रिटर्न टू हिज विलेज. जर्नलिज्म हैड बीन वर्किंग इन मॉस्को टू अ मर्चेंट. ही रिटर्न टू हिज विलेज बिकॉज ही हैड बीन कॉल्ड बैक टू हिज विलेज फॉर मिलिट्री ड्यूटी.
यहां तक भी आंसर जो है इनफ है. सो ही हैड टू गिव अप हिज जॉब बट लेटर ही वॉज नॉट ड्राफ्टेड फॉर द मिलिट्री ड्यूटी. वेन ही अगेन अप्रोच्ड हिज ओल्ड एम्प्लॉयर ही टू रिफ्यूज टू टेक हिम अगेन. और जब से वो वापस आता है लेकिन वहां पे वो सिलेक्ट नहीं होता और वो वापस आता है तो उसे उसका मास्टर जो है लेने से इनकार कर देता है. उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द कोचमैन टेल जुराजम व्हेन ही रिलेटेड हिज स्टोरी. अब कोचमैन ने क्या उसे कहा जब वो अपनी स्टोरी उसे कंप्लीट करके बताई उसने. व्हेन जुराजम रिलेटेड हिज स्टोरी द कोचमैन स्टार्टेड गिविंग हिम लॉन्ग स्पीच ऑफ ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी. अब जब उसने अपनी कहानी उसे बताई कि मैं इस तरह से बुरी मुसीबत में फंस गया हूं, मेरे पास जॉब नहीं है, तो उसने लंबे लेक्चर देने शुरू कर दिए ऑनेस्टी पे और सिंसियरिटी पे. ही टोल्ड हिम दैट पीपल डू नॉट सर्व देयर मास्टर्स हु wholeheartedly and this is why that's why basically they are not being taken back to the work. तो उसे समझाता है कि तुम लोग अच्छे से काम नहीं करते हो, तुम यंग लोग ऐसे ही होते हो, अपने मास्टर्स की अच्छे से खिदमत नहीं करते हो. He also advised him that he should serve his master so that they would think a lot of him. तो वो also उसे इस चीज के लिए भी करता है कि वो अच्छे से काम करना चाहिए, उनको अच्छे से वफादारी के साथ काम करना चाहिए ताकि उनके मास्टर्स उन्हें वापस दे दें. In addition to it, he told him that he would speak to his master for his employment if he wanted to. उसने कहा कि अगर तुम चाह रहे हो तो मैं अपने मास्टर से तुम्हारे जॉब के लिए बात भी करता हूं. How did the coachman persuade his master to employ Jurasm? तो कैसे कोचमैन ने मना लिया अपने मास्टर को Jurasm की जॉब के लिए. The coachman had a glib tongue. उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी उसके पास एक चालू जबान थी, ठीक है. And he knew how to wag it. और उसे चाहिए था कि वो कैसे जुबान को घुमाना है और वो उसे अच्छी तरह से जानता था. तो एट फर्स्ट ही ट्राइड टू गेट अ पोजीशन फॉर हिज फ्रेंड. उसने बहुत कोशिश की कि पहले उसने फ्रेंड के लिए जगह मिले क्योंकि उनके पास जॉब के लिए तो ऑप्शन था नहीं. देन जुराजम हैज परस्यूइंग हिज मास्टर दैट जो उनका पॉलीकार्पिस था उसको कहा कि इसके हैड बिकम सो ओल्ड. उसने कहा कि उनका एक एम्प्लॉय बहुत ओल्ड हो चुका है. That he could not be able to do it done in a good manner and it was no longer a need to keep him. उसने कहा कि ये बूढ़ा हो चुका है और इसे निकाल दिया जाए और इसका काम करने से हमें कोई फायदा भी नहीं होता क्योंकि वो काम नहीं कर पाता. He told him many lies about Polycarp. और उसने झूठ बूट की बहुत सारी बातें उसके बारे में जो है मास्टर को बताई. It was the right time to dismiss him. और उसने कहा कि ये अच्छा टाइम है कि उसे हम निकाल दें. Finally, the master and the coachman agreed to send Polycarp away and adjust Jurasm in his place. तो दोनों को किसी तरीके से मना लेता है और उसका जो मास्टर होता है वो तैयार हो जाता है कि वो एक्चुअली पॉलीकार्प बूढ़े आदमी बेचारे को काम से निकाल देगा. बिकॉज द मास्टर हैड बीन मोटिवेटेड बाय द कोचमैन दैट ही वाज अ गुड बॉय फ्रॉम हिज विलेज. और वो जुराजम की कुछ तारीफें भी कर देता है तो एंड वॉज विदाउट अ जॉब. और उसे समझाता है कि वो अच्छा लड़का है हु कुड प्रूव हिमसेल्फ ड्यूटीफुल एंड पंक्चुअल इफ ही वॉज गिवन सम जॉब. तो ये सारी चीजें उसे मना के अपनी जबान चला के उसे मोटिवेट कर देता है और एट द एंड जो होता है मास्टर तैयार हो जाता है उसे जॉब देने के लिए. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वाज द मास्टर रिलक्टेंट टू डिसएंगेज द ओल्ड सर्वेंट. क्यों मास्टर रिलक्टेंट था, वो थोड़ा सा अनविलिंग था यानी कि डिसएंगेज ओल्ड आदमी को निकालने में. वो क्यों नहीं चाहता था कि ओल्ड आदमी को हम जॉब से निकालें. बेसिकली मास्टर वॉज रिलक्टेंट यानी कि अनविलिंग टू डिसएंगेज द ओल्ड सर्वेंट बिकॉज He had been with him for 15 years. क्योंकि ये बूढ़ा आदमी उसकी खिदमत कर रहा था वो पिछले 15 साल से कर रहा था. Moreover, there was no cause to disengage. और हालांकि उसके बारे में कोई कॉज भी नहीं था. वो एक्चुअली कोचमैन ने अपनी गलत जबान का इस्तेमाल करके मास्टर को उसके खिलाफ कर दिया था. तो दूसरी बात ये भी थी though the master had all love and sympathy for him. और उसके मास्टर जो थे उसको सिंपैथी हमदर्दी भी थी पॉलीकार्पिस के साथ एंड वाज नॉट विलिंग टू डिसएंगेज हिम. और वो किसी तरीके से भी उसे जॉब से नहीं निकाला जाता. द कोचमैन परस्यूड हिज मास्टर डिसमिस द ओल्ड सर्वेंट. और किसी तरीके से कोचमैन ने उसे मना के उसे डिसमिस करने के लिए कह दिया, ठीक है. व्हाट डिड जुराजम हियर व्हाइल क्रॉसिंग द यार्ड. अब जुराजम जब क्रॉस कर रहा था यार्ड को तो उसने वॉइसेस सुनी एक मैन की और एक वुमेन की जो उसकी वाइफ होती है कमिंग फ्रॉम अ रूम who were undoubtedly Polycarpus and his wife. तो वो किसकी कहानी थी, वो एक्चुअली दोनों आदमी Polycarpus और उसकी वाइफ आपस में बात कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि उनका मास्टर जो है वो अपने निकालना चाह रहा है और अब वो उसको इस चीज का भी एहसास नहीं है कि हमने उसकी किस तरह से खिदमत की है. तो साथ में वो ये भी कहते हैं कि किस तरह से डिसएंगेज करने के लिए जो है कोचमैन ने उसे एक्चुअली क्या किया है, मोटिवेट किया है. शी सेड दैट though they had served their master honestly, sincerely and faithfully, लेकिन उसके बावजूद वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इस तरह से ये सारी बातें जो है बाद में
जरैजम जो है वो सुन लेता है, सेइंग दैट द मास्टर वाज नॉट सो मच टू ब्लेम. तो एट द एंड वो कहते हैं कि इट वाज एक्चुअली द कोचमैन. वो आपस में ये भी कह रहे हैं कि ये कोचमैन है जो कि एक्चुअली बहुत सारे गलत काम भी करता है, मास्टर को नुकसान भी पहुंचाता है और उसके कान भी जो है वो भरता है. व्हाट डिड द कपल थिंक अबाउट द मास्टर? तो इसका आंसर जो है, द ओल्ड कपल सेड दैट देयर मास्टर वॉज सो मीन एंड ही डिड नॉट थिंक ऑफ एनीवन बट केयर्ड ओनली फॉर हिज ओन एडवांटेज. वो ये समझते थे कि उनका जो मास्टर है वो सिर्फ अपने फायदे की बात करता है और अपने लिए ही सोचता है. दे सेड दैट देयर मास्टर हैड नो सेंस ऑफ जस्टिस. उनके मास्टर के पास या मालिक के पास कोई इंसाफ नहीं है एंड सिंपैथी फॉर देम, और उनके लिए कोई सिंपैथी. तो दे सर्वड हिम ऑनेस्टली, हालांकि उन्होंने बहुत ऑनेस्टली से उसकी खिदमत करी होती है फॉर द ईयर्स, यानी कि बहुत सालों तक. बट पॉलीकार्प सेड इट वॉज द कोचमैन हु वॉज द रियल कल्प्रिट एज ही टोल्ड मैनी लाइज अगेंस्ट देम. तो हालांकि कोचमैन जो पॉलीकार्प है वो अपनी वाइफ से कहता है कि एक्चुअली ये मास्टर की कोई गलती नहीं है, ये सारी कहानी जो ये कोचमैन ने उसके कंग में भरी है. What was the effect of the old couple's conversation on Jerusalem? अब Jerusalem पे old conversation जो है, ये दो बूढ़े लोग जो बात कर रहे थे, इनकी बातचीत का उस पे क्या असर होता है? The old couple's conversation rented Jerusalem's heart and it stabbed him like a dagger. सबसे पहले जो जब उसने ये बातें सुनी कि अब हमें निकाल दिया जाएगा ये वो सारी, तो Jerusalem का दिल बहुत अच्छा होता है. तो वो क्या होता है उसे, ये जैसे वो कोई खंजर गोप देता है उसके दिल में. He was full of pity and sympathy. तो वो एक्चुअली हमदर्द होता है और उसे उन पे रहम आ जाता है. He realized what misfortune he would be bringing to the old couple. और वो ये समझता है कि अगर मैं ये जॉब करूंगा तो ये लोग तो सड़क पे आ जाएंगे. So he finally decided not to work at their place. और वो ये चाहता है, एट द एंड वो ये डिसाइड करता है कि वो अब यहाँ काम नहीं करेगा. एंड वुड नॉट बी फेयर एंड जस्ट टू बी द कॉज ऑफ आउटस्टिंग द ओल्ड कपल. और ये नहीं रीजन बनना चाहता इस कपल को सड़क पे लाने के लिए या बाहर निकालने के लिए, वो रीजन नहीं बनना चाहता. तो हाउ डज द स्टोरी रिफ्लेक्ट द ह्यूमैनिटी ऑफ Jerusalem? तो Jerusalem ह्यूमैनिटी, यानी कि उसकी ह्यूमैनिटी जो थी उसके बारे में जो है स्टोरी क्या रिफ्लेक्ट करती है? ही फेल्स टू गेट एनी जॉब इन मॉस्को. जैसा कि हमें पता है कि उसे कोई जॉब नहीं मिलता. ही फ्रेंड्स बिगन टू अवॉइड हिम. उसके दोस्त जो होते हैं उसे नहीं रखते अपने पास. But he never says a word against anyone. वो कभी भी किसी के बारे में कोई बात नहीं करता. He comes to Yegor who is from his own village. वो Yegor के पास आता है जो कि उसके अपने गांव से होता है. The man is a coachman with a rich merchant. वो एक कोचमैन होता है वो एक बड़े सौदागर के साथ. He started boasting of his honesty and faithfulness towards his master. तो वो actually start करता है अपनी कहानियां उनके साथ बताने के लिए. He says that his master would gladly take him back if ever he had to leave him. तो अब वो Jerusalem के बारे में वो सारी स्पीच देता है कि उसने इतनी सारी इसकी मेहनत की है, अगर किसी भी तरीके से वो उसे जाना पड़ जाए तो उसका मालिक उसे कहीं में भी वापस बुला लेगा. He says that his master would gladly take him back. Thus he indirectly blames Jerusalem because his previous master has refused to take him back. और वो ये कहता है कि उसने प्रीवियस मास्टर ने बेसिकली क्या किया था, रिफ्यूज किया था. वो उसे कहानियां सुनाता है. Jerusalem listens to all with downcast eyes. वो सर झुकाए ये सारी बातें सुनता है. This shows his humility. His humility shows itself at the end of the story. Also, he came to know how wicked Yegor is. और उसे पता चल जाता है कि कितना ये खतरनाक जो होता है Yegor है. Yet he says nothing when Yegor calls him an idiot. हालांकि उसे वो गालियां देता है, idiot कहता है. Truly, Jerusalem is a very humble young man. हाँ, समझ सकते हैं कि Jerusalem एक बहुत ही young, humble और एक अच्छा आदमी है. Write a character sketch of Jerusalem. बहुत सिंपल सा है. पूरे लेसन में हमने Jerusalem के बारे में बात करी है, तो आप ये एक्सट्रैक्ट जो है इजीली जो है स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपीज में जो है लिख सकते हैं. तो ये सारी चीजें इसमें जो है अभी तक मैंने आपको बताई तो वो ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट में है. तो देयर इज नो नीड टू रिपीट. तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट इन योर कॉपी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूज द वर्ड्स इन द सेंटेंसेस टू शो द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स. एवरीवन एंड एवरीवन हियर एंड एवरीवन, एनीवन, एनी अलग और वन अलग, इनटू, हूएवर, हूएवर, indifferent and indifferent. अब देखो अगर इसको हम अलग नहीं, you can't please everyone, यानी कि हर कोई नहीं आ सकता. Everyone, हर कोई, of the story is interesting, हर कोई story जो है वो interesting. अब दोनों का अलग अलग जब use किया तो हमने ये दोनों का meaning जो है वो अलग अलग हो गया. Anyone can come and see me, हर कोई आ सकता है मुझे देख सकता है. You can have any one of these books. अब देखो दोनों का words जो है complete meaning जो है वो change हो रहा है. The fox fell into the well. He came in to see me. ठीक है.
उसके बाद whoever wins will get a prize, whoever could escape death. दूसरी बात whoever wins, जो जीतता है वो प्राइज लेता है. whoever could see escape death, मौत से कोई नहीं भाग सकता. तो दोनों का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है. He is indifferent to his health, we study in different schools. तो दोनों का जो मीनिंग है दोनों सेंटेंसेस का आप देख सकते हैं अलग अलग है. उसके बाद है rearrange the words to form the meaningful sentences. Walked I the through garden into the house. I walked into the house through the garden. ठीक है, तो at the end जरूरी है कि आप इसका full stop जो है वो लगाएं. Matilda, a rich hired friend name was whose Froster, Ma'am Froster. Matilda had a rich friend whose name was Ma'am Froster. Why Matilda unhappy was? Why was Matilda unhappy? तो rearrange करके sentence को meaningful बनाना है. Sulekha was fourth of the Nambardar's daughter Ramla. Sulekha was the fourth daughter of Nambardar Ramlal. तो fifth है, teacher took Boli special in her interest. Boli's teacher took special interest in her. तो इस तरह से ये sentences जो है आप लिख सकते हैं. Then heart her throbbing was a new hope with and a new life. Her heart was throbbing with a new hope and new life. तो sentences को सीधा करके आप इस तरह से लिख सकते हैं. Tree of a killing is a process painful. Killing of a tree is a painful process. Killing means the cutting here. So an episode curious occurred in the study. A curious episode occurred in the study. और ये मुझे आप बताओगे कि ये किस चैप्टर में है और ये किस चैप्टर से लिया गया, क्योंकि हमने पढ़ाया है. तो अगर आपने वो पढ़ा होगा तो आप ये मुझे बता सकते हैं कि ये किस चैप्टर से ये जो है सेंटेंस जो है वो लिया गया. Was a griffin scientist brilliant? Griffin was a brilliant scientist. Took only in a minute griffin to off through bandages, whiskers, spectacles and it took griffin only a minute to throw off bandages, whiskers and spectacles. ठीक है, तो ये सारी कहानी जो है आप इजीली जो है समझ सकते हैं. सो सेंटेंस को रीअरेंज करके लिखना है. अब है नेक्स्ट राइटिंग वर्क. कंपेयर द कंट्रास्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रैसम एंड द कोचमैन. ठीक है, ग्रैसम एंड द कोचमैन कुड बी कंसिडर्ड एज टू फेसेस. इनको हम दो फेसेस समझ सकते हैं. पहला, ऑफ द सेम कॉइन इन द सेंस दैट दे बिलोंग टू द सेम विलेज, क्योंकि वो एक ही गिराने से एक ही गांव से आते थे. बट विथ डिफरेंट नेचर एटीट्यूड एंड कैलिबर. तो दोनों का नेचर अलग था, दोनों का कैलिबर अलग था, दोनों का एटीट्यूड अलग था. दे हैव डिफरेंट कैरेक्टर्स, उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स थे. द कोचमैन वॉज वर्किंग अंडर अ मर्चेंट. कोचमैन एक वर्किंग करता था अंडर अ मर्चेंट हु वॉज वेल्दी, वाइल ज्यूरिज्म वॉज वर्किंग एज अ सर्वेंट फॉर सम अदर मर्चेंट. और ज्यूरिज्म एक दूसरे आदमी के लिए सर्वेंट की तरह काम करता था. Meanwhile, he was summoned to his village for military duty, but unfortunately, he was not drafted for it. When he again approached to his old employer, he refused to take him back. इसी दौरान ज्यूरिज्म को गांव से बुलाया जाता है और मिलिट्री के भर्ती के लिए, लेकिन वो वहां भर्ती नहीं होता. और जब वो वापस आता तो उसका पुराना एम्प्लॉयर जो होता है उसे काम पे रखने से इनकार कर देता है. He was then jobless. In this regard, he wandered place to place in search of a job. बट कुड फाइंड नथिंग. तो इस तरह से वो जॉब के लिए घूमता है, एट द एंड उसे कोई भी जॉब जो है नहीं मिलती है. अगर आप ज्यूरिज्म की बात करें, ज्यूरिज्म वॉज एन ऑनेस्ट एंड हम्बल फेलो एंड वॉज वेरी सेंसियर, बट द कोचमैन वॉज क्लेवर. कहा जाता है ज्यूरिज्म जो था बहुत ऑनेस्ट था, हम्बल था, सिंपैथेटिक था, पिटी था, बहुत अच्छा आदमी था. बट यहाँ पे कोचमैन जो था ये चालाक था, प्राउड था, और दूसरी बात था डिसऑनेस्ट बंदा था. Jurasm was a simple, kind-hearted and loving, while as the coachman was cruel, cunning and stone-hearted. और अगर इन दोनों की बात करें, एक sympathetic था, एक cruel था, एक dishonest person था. Jurasm was self-sacrificing and straightforward. हालांकि अगर Jurasm बैठ भी जाता तो उसकी कोई गलती थी नहीं वहाँ पे. लेकिन who gave up the job when he needs it desperately. हालांकि वो job छोड़ देता है, हालांकि उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है job की. While as the coachman was selfish and had a glib tongue, we know. Who knew how to wag it. और हालांकि कोचमैन के पास एक बहुत चलने वाली खतरनाक किस्म की जबान थी और उसे वो चलानी बड़े अच्छे से आती थी. ज्यूरिज्म did not want to be praised, but the coachman did. ज्यूरिज्म को अपनी तारीफ सुननी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन कोचमैन को ये सारी चीजें बहुत पसंद थी. Though he managed to get ज्यूरिज्म employed in the old servant's place by telling so many lies against the old couple, but when ज्यूरिज्म had the painful story of the couple, it made him sick. At heart and being humble and sympathetic, he refused to work there.
हालांकि ये जो कोचमैन होता है अपनी झूठी जबान से और बहुत सारे फालतू बोहतान जो है वो पढ़ने के बाद मास्टर को कन्विंस कर लेता है कि हम ओल्ड आदमी को जो है वो जॉब से निकाल लें। लेकिन जुरैज़म को जब इस बात का पता लगता है, वंस जुरैज़म हियर द पैनफुल स्टोरी, तो उसने वहां जॉब करने से इनकार कर देता है। और ये उसका हम्बल और सिंपैथेटिक नेचर ही था, तभी तो उसने जॉब करने से यहां इनकार कर दिया था। तो यहां पे खत्म होता है लैंग्वेज वर्क। अब है बोर्ड में पूछे जाने वाले एग्जाम्स। तो ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी बोर्ड में आ चुके हैं। चलिए अब देखते हैं, पैसेज हमारे पास लिया है, दैट इज द वे यू यंग फेलोज आर। यू सो योर एम्प्लॉयर सो सो एंड व्हेन यू लीव योर जॉब्स यू यूजुअली हैव म्यूटेड अप द वे बैक टू देम। You ought to serve your master so that they will think a lot of you, and when you come again, they will not refuse you, but rather dismiss the man who had taken your place. सबसे पहले यंग, अगर यहाँ पे हम बात करें तो हमें क्या कहा जा रहा है, give the antonyms of young, young का antonym क्या आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, that's old. Next, back, back का antonym आएगा front. सेकेंड इज मास्टर, तो मास्टर का जो है वो आ जाएगा सर्वेंट, ठीक है, सर्वेंट। रिफ्यूज का आ जाएगा एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट। तो उसके बाद है यू डू नॉट सो यूर मास्टर, तो पहली डैश जगह में क्या आएगा, मास्टर। यू डैश डैश टू सो यूर मास्टर सिंसियर, यू ऑट टू, ठीक है। आप ऊपर भी देख सकते हैं, ये ऑलरेडी लिखा हुआ भी है हमारे पैराग्राफ के अंदर। When you came back, they will not refuse you, ठीक है, they will not refuse you। तो यहां पे है they will actually you ought to show your masters that they will think a lot of you and when you come then they will not refuse you। तो they will dash dash, they will dismiss, ठीक है, तो they will dismiss। लास्ट वाली जो डैश में है वो आएगा डिसमिस, ठीक है। तो यहां होता है हमारा ये वाला पैराग्राफ कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट पैराग्राफ है। ऑल द मास्टर्स सो मीन, दे डोंट थिंक ऑफ एनीवन बट देमसेल्व्स, इट डज नॉट अकर हिम दैट वी वर्क फॉर देम ऑनेस्टली एंड फेथफुली फॉर इयर्स एंड यूज अप आवर बेस्ट स्ट्रेंथ इन देयर सर्विसेज। They are afraid to keep us a year long, even though we have got all the strength and need to do work. If we were not strong enough, we had go on our own accord. अब ये कहानी जो है ये आपस में बात कर रहे थे, जैसे हम कहेंगे पॉलीकार्प और उसकी वाइफ। तो give the antonyms of all, all का आएगा no one, ठीक है, honest का dishonest, तो longer means the shorter, इसका not to mean shorter but इसका antonym जो है वो shorter रहेगा। strong, strong means weak, strong not mean strong का antonym जो है वो आएगा weak। उसके बाद है all the dash dash are very mean, all the masters, ठीक है, मतलब परस्त, all the masters, ठीक। उसके बाद we work for them and dash dash, we work for them honestly and faithfully, honestly and faithfully, honestly and faithfully. We use up our best strength, ठीक है, तो यहां पे आएगा हम अपनी अच्छी ताकत उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, strength. If we were not strong, we would go of our own accord. ये last word जो है यहां आएगा accord. So this brings end to this fabulous chapter, और बहुत जबरदस्त chapter है ये। तो यहां पे होता है ये कंप्लीट। आई होप कि आप इसे इजीली अब जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो लेट्स मूव एंड दैट ब्रिंग्स टू द एंड। सो वी हैव कंप्लीटेड अप टिल 5 स्टोरीज, अब बचती है सिर्फ एक शॉर्ट स्टोरी डस्क और लास्ट वाला प्ले द प्रपोजल। तो आई होप कि बहुत जल्दी ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और हम एक नई ग्रामर पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज होने के बाद।